वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह न सिर्फ एक अच्छे जन प्रतिनिधि हैं, बल्कि वो लोगों के सुख दुख में भी हमेशा शामिल रहते हैं। और मौका जब हो दुर्गा पूजा का, तो भला ऐसे में सचिन सिंह कैसे किसी से पीछे रह सकते हैं। दरअसल दुर्गा पूजा के इस खास मौके पे बेलेघाटा बर्फकल के लोगों के लिए और भी खास बना दिया काउंसिलर सचिन सिंह ने, जब उन्होंने एक विशाल अर्जुन रथ का तोहफा अपने वार्ड के लोगों को दिया। साथ ही एक शानदार चिल्ड्रंस पार्क भी बच्चों के लिए डेडिकेट गई है। और सबसे खास बात ये है कि कई गणमान्य मेहमानों के हाथों इस साल भी शानदार दुर्गा पूजा का भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पे उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, पूर्व राज्यसभा मेंबर कुणाल घोष, विधायक विवेक गुप्ता, MMIC जीवन साहा, MMIC स्वप्न समद्दार, TMC नेता शक्ति प्रताप सिंह, TMC प्रवक्ता मृत्युंजय पॉल के साथ ही साथ बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक जितेंद्र रॉय, भोजपुरी एक्टर शिल्पी राज, विवेक चौहान, गोलू राजा, टॉलीवुड एक्ट्रेस मधुमिता गुप्ता, मौपिया गोस्वामी वगैरह मौजूद थी। सभी मेहमानों ने इस शानदार प्रोग्राम के आयोजन के लिए काउंसिलर सचिन सिंह और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन किया। पार्षद सचिन सिंह ने भी कहा है कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज बेलेघाटा के लोगों को अर्जुन रथ का उपहार इस पावन अवसर पे दिया है और इसमें मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। वहीं उन्होंने कहा है कि वार्ड नंबर 36 के उन्नयन का काम जारी रहेगा और इसके लिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। सेलिब्रेशन का जो ये नवरात्रि चल रहा है और माँ आ रहा है यहाँ पर, तो सेलिब्रेशन जो लोग कर रहा है इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जो कुछ अच्छा होता है अच्छा होता है, जो कुछ बुरा होता है हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहता है, लेकिन जब ये पाजी देखकर जब एक तिथि अनुसार जब नवरात्रि आते हैं, दुर्गा पूजा आता है, वहाँ पे तो सेलिब्रेशन होगा ही है। बहुत सुंदर एक रथ किया है सचिन ने, तो आपको राज में ममता बनर्जी के शासन में एकमात्र हमारा लक्ष्य है उन्नयन उन्नयन उन्नयन, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, मां माटी मानुष। मैं व्यक्तिगत रूप से जब से पार्षद बना हूँ एक ही चीज फॉलो करता हूँ, ममता बनर्जी के पथ का अनुसरण करना। आप देख सकते हैं इस त्रासदी में जिस तरीके से DVC ने पानी छोड़ा था और लोग गांव गांव में बाहर से पीड़ित थे, वहां पे ममता बनर्जी पर्सनली जाके गरीब लोगों के साथ खड़ी थी, वो हमें प्रोत्साहित करता है। और 36 नंबर वार्ड मेरी जन्मभूमि है, यहाँ के लोगों की जरूरत को मैं समझता हूँ। और अर्जुन कृष्ण रथ, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, हमारे पूजा का थीम है हनुमान अपने सीने को चीर रहे हैं, उसमें माता विराजमान है। स्वयं माँ सती ने हनुमान को आशीर्वाद दिया था कि शक्ति रूप में हनुमान मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, वैसे ही ममता बनर्जी का आशीर्वाद 36 नंबर वार्ड और मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा। जिस तरह देखिए, ये सिर्फ पहले साल पहली बार नहीं है, सुदीप बंदोपाध्याय हमेशा एज ए इनोग्रेटर हमारे पूजा मंडप में आते हैं और लोकसभा जीतने के बाद वो हमारे बीच में आया और उन्होंने हमें वादा किया था कि एक कम्युनिटी हमें बना के देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल बनने वाला है जहाँ पे MP का फंड होगा और साथ ही साथ हमारे तृणमूल के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष भी हमारे बीच में आए। तो और सबसे बड़ी खुशी की बात है, बेलेघाटा का भौगोलिक परिस्थिति, खासतौर पर 36 नंबर वार्ड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जहाँ 50% बिहारी और 50% मुसलमान रहते हैं और खासकर से इस पूजा मंडप के उद्बोधन के लिए बिहार से पूर्व मंत्री खेल मंत्री जितेंद्र राय जी मरौरा विधायक हैं, RJD से हमारे बीच में आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इसके पहले अगर अपन लोग आए होंगे तो मुझे बुरा लगता था। देखिए, 34 साल वामपंथियों का शासन था और खास करके मेरे वार्ड में 25 साल CPM की पार्षदा रही है, 15 साल उनके फादर रहे हैं, 10 साल मौसमी घोष रही हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण था यहाँ पे लोग
खड़े होके जितनी गंदगी थी, जहाँ पे मैंने अर्जुन रथ और पार्क बनाया है वहाँ गंदगी का भंडार था, लेकिन ममता बनर्जी का उन्नयन हमें प्रोत्साहित किया और मैंने सर्वोपरि जो काम किया उस इलाके को साफ करवाया और बॉबी हकीम माननीय मेयर के आशीर्वाद से ये पार्क बन पाया। लड़के और यहाँ वार्ड के लोग बहुत खुश है। पहले हमें यहाँ स्लम एरिया बोल के लोग बुलाते थे, आज आप देख सकते हो ये एक कॉलोनी के रूप में तब से हुआ। देखिए मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, नेता नहीं मैं बेटा हूँ, इस वार्ड में मेरा जन्म हुआ है, मैं ये पार्षद नहीं, वार्ड के उन्नयन के लिए शरीर के रक्त के शेष बिंदु तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखो, मैं एज ए पार्षद आप मेरे साथ एक कदम चलोगे मैं आपके साथ 10 कदम चलूंगा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दिखाए पथ पे लोगों के उन्नयन के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। पूजा का आनंद लीजिए, घूमिए, कहीं असुविधा होगा तो आपका बेटा आपके साथ खड़ा है 24 घंटे दिन रात 365 दिन 24x7 आपका बेटा आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है। धन्यवाद मोतिया जी, लोग एक्ट्रेस है, टीवी पे आती है, बोलने आता है तो अच्छा ही बोलेंगे, देखने में भी खूबसूरत है मोपिया जी, मैं इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक तरफ बंगला फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, देखिए बंगला भोजपुरी हिंदी इंग्लिश मत देखिए, नायक नायिका सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट सब एक ही होते हैं, आप दूसरे चैनल से ये दूसरे चैनल से काम सबका एक ही है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है, लेकिन सच बात यह है कि कलाकारों के माध्यम से ही हम असल जीवन में आनंद ले पाते हैं। कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, मोपिया जी को धन्यवाद, और भी सारी सेलिब्रिटी जो आई हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार से चल के शिल्पी राज आई हैं, मोपिया गोस्वामी, यही है 36 नंबर वार्ड और पश्चिम बंगाल की खूबसूरती, जहाँ पे हर जात हर भेष हर सम भाषा के लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए बिहारियों को भगाया जाता है, आसाम में जाइए बिहारियों को भगाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ऐसी धरती है जहाँ पे हर धर्म के लोग आके रहते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आंचल फैला के उनका स्वागत करते हैं। आप जवान बोल दीजिएगा तो ये सब यंगलर के गुस्सा हो जाएंगे। आपकी बातें लोग सुनते हैं, आप ट्रस्ट में एक बार इंडिविजुअल घूम के आइए, मेरे पार्षद बनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरे वार्ड में लड़के शराब पी के शराब का सेवन या किसी भी प्रकार का सेवन करके बाहर घूमते होंगे, काफी सारी रोकथाम हुई है। बात बाकी यंग लड़के हैं और अपना अच्छा बुरा समझते हैं, मैं आशा करूंगा कि आप सब इतना अच्छा क्वेश्चन किए, मैं यंग लड़के सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से बोलूंगा नशे से दूर रहिए, क्योंकि एक परिवार खत्म होता है आपके नशे से, सिर्फ आप खत्म नहीं होते, आपका परिवार खत्म होता है, आपका माँ आपके बाप खत्म होते हैं, तो नशे से दूर रहिए। क्या कहेंगे आज दुर्गा पूजा के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हुए? मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को और इतना कहना चाहता हूँ, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, उनकी अनुकंपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आज बहुत खुशी का मौका है, भाई सचल सिंह जी ने यहाँ इतना सुंदर पार्क और ये अर्जुन का रथ का उद्घाटन भी किया, दुर्गा पूजा का भी उद्घाटन हुआ, अंदर बहुत ही भव्य मूर्ति है और इन सबसे ज्यादा भोजपुरी जो कि हमारी संस्कृति है, यहाँ जो हमारा दिल धड़कता बना, हम लोग बंगाली हैं मगर हमारे दिल पे भोजपुर जो है, भोजपुरी जो है वो धड़कती रहती है, तो आज भोजपुरी कार्यक्रम करके इसने हमारे दिलों की धड़कन को तेज कर दिया है, तो उसके लिए सर ने पगड़ी भी बांधा था, तो इसके लिए हम इसको और इसकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बेलियाघाटा में पूरा बिहार को ला दिया है सचिन सिंह ने, अरे बिहार पूरा बेलियाघाटा पूरा दुनिया में है, खाली बेलियाघाटा का है। ভালো লাগে সচিন সিং, সচিন আমার বন্ধু ভাই কাউন্সিলর, সচিন সবসময় মানুষের সাথে থাকে, আর পূজা তো এসা নেই দুর্গা পূজা মতলব সবকা পূজা হ্যাঁ, দুর্গা পূজা এসা নেই মানে সিফ হিন্দু কাজ হ্যাঁ, পূজা সবকা হ্যাঁ, দুর্গা পূজা মতলব হম লোক বলতে দুর্গা উৎসব, উৎসব তো সবকা হ্যাঁ, তো কই ভি চিজ জো জো বোল রে না যে উৎসব মে হাম নেই হ্যাঁ, হম লোক বোলেঙ্গে যে সচিন কে ইধর আইয়ে দেখ কে যাইয়ে উৎসব মে সব হ্যাঁ, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके एकदम छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में उत्सव में सब घुल मिल गए, तो यही बात है पूजा सब गए, पूजा ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा मतलब एक 50,000 करोड़ का अर्थनीति भी है, इकोनॉमी इसमें है, सबका पूजा है, जो छोटा छोटा सा जो बैलून का दुकान दे रहे हैं, जो बच्चा इधर जा रहा है, जो आज प्रतिमा करा है, जो सब सब मिल के एक पूजा होता है, तो हम लोग का भी एक पूजा है, पूजा में सब आते हैं, हम लोग का नेत्री बोलता है कि सबको लेके पूजा करना है, सबको लेके हम लोग कहते हैं सचिन कर रहा है इधर 36 में, सबको लेके पूजा कर रहा है।
दुर्गा पूजा चल रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग दुर्गा पूजा में डूबे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी जस्टिस फॉर आरजी कर, जस्टिस फॉर जयनगर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग भी बोल रहे हैं जस्टिस फॉर आरजी कर, वी वांट जस्टिस। ए वी में तो हम भी हैं, सभी हैं, वी में तृणमूल कांग्रेस भी है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो तुम जो बोल रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस नहीं है वो तो गलत बात बोल रहे हैं। जो हम लोग है उसका पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है। जो आप अगर देखिए ना, आप जो बोल रहे हैं जो जस्टिस में, अभी तो सब सामने आए, आज सीबीआई ने चार्जशीट दिया है, उसमें एक ही आदमी का नाम है, वो संजय राय, दूसरा कोई आदमी का नाम नहीं है। मतलब जो आदमी संजय राय अरेस्ट हुआ है उसको कौन अरेस्ट किया था? उसको तो कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया था 24 घंटे में अरेस्ट किया था। तो हम लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं जो है उस सबको अरेस्ट करना चाहिए। हम लोग तो ऐसे नहीं बोल रहे, जयनगर में भी हो रहा है, केरला में पांच साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कौन नहीं बोलेगा? ये तो सब तो इसको लिए बोल रहा है जो वी वांट जस्टिस। अगर बंगाल में होता है तो जस्टिस मांग रहा है, केरला में हो रहा है भी जस्टिस मांग रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग सिलेक्टिव है। केरला में भी बोल रहा है तो बाम जो है, जो लेफ्ट है, उनको केरला के लिए भी बोलना है, वो है कि हम वी वांट जस्टिस। जो बीजेपी है वो यूपी के लिए संभल में एक रेपिस्ट बेल में निकल के उसके भाई के सामने, उसके माँ के सामने जो लड़की थी उसको गोली कर दिया। देखिए ये जताता है जो कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम है, अगर कोई कंप्लेन है तो अरेस्ट होना ही चाहिए। आप यूपी में जो रेप हुआ है, वो लड़की उनके माँ जब घर वाली जब जाते हैं थाने में, उस थाने का एक इंस्पेक्टर फिर से उसको रेप करता है, ये बंगाल में होता है? नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं ना जो पार्कस्ट्रीट में हुआ है, पार्कस्ट्रीट में जो एसआई किया है उसको तुरंत अरेस्ट किया गया है, उनको तुरंत सस्पेंड किया गया है। लेकिन यूपी में अगर रेपिस्ट खुद जाता है, उसका परिवार जाता है, उसको फिर से रेप किया जाता है। यही जो डिफरेंस है वेस्ट बंगाल से लेकर डबल इंजन सरकार को, ये डिफरेंस है। ये ममता बनर्जी किया है, ये मामाटी मानुस की गवर्नमेंट ने किया है। अभी भी याद है जब वो काउंसिलर बनने वाला था, सो वो फर्स्ट डे मैं और मदन दा स्टेज पे आई थी। सो अभी भी मुझे याद है कि वो तब भी जो सचिन था, आज भी ये वार्ड का काउंसिलर बनने के बाद वही सचिन है, और इतना डाउन टू अर्थ काउंसिलर मैंने तो नहीं देखा, और अभी भी वैसा ही दोस्ती नहीं भूला, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला। सुनिए, वो ऐसा काउंसिलर है, आज उसका प्लेस ऐसा है, इतना अच्छा, सबके साथ उसका उठना बैठना है, वो चाहे तो एक से एक एक्टर एक्ट्रेस लोग को बुला सकता है। सो वो चाहे तो बॉलीवुड से भी बुला सकता है, मैं सचिन को जानती हूँ। 36 নম্বর ওয়ার্ডের এই বেলেঘাটাতে পুজোতে এসে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। আর সচিন যেমন মধুগুপ্তা বললো যে খুবই ভালো ফ্রেন্ড হয়, আমারও খুবই ভালো ফ্রেন্ড হয়, মানে এতটা হেল্পফুল সচিন। মানে আমি যে কোনো প্রবলেমে পড়লে সবার আগে আমার মনে পড়ে সচিনের কথা, যে উনি এমন একজন মানুষ যে পাশে থাকবে সবসময়, খুব হেল্পফুল। আর এত সুন্দর পুজো হচ্ছে, আপনাদের যেমন জানা নেই হয়তো যে এই ওয়ার্ডে সব রকম কাস্টের লোকজন একসাথে থাকে, তাও এখানে এত সুন্দর করে দুর্গাপুজো হয়। আর এই থিমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর, বাঁশের একদম নিখুঁত কাজ রয়েছে, তো সেই মায়ের এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে।